हेलो फ्रेंड्स, आज का ये इंटरव्यू उन लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है जो अपना ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और जिन लोगों का सपना है कि अपना खुद का कुछ अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे कोई स्टोर ओपन कर रहे हैं या अपनी खुद की वेबसाइट से अपने बिजनेस को सेटअप करें, ई कॉमर्स के बिजनेस को सेटअप करें। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि अपने ई कॉमर्स के बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। वो अमेज़न और फ्लिपकार्ट में भी बहुत सक्सेसफुली सेल करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं उनके। 2014 में उन्होंने 2-3 प्रोडक्ट्स बहुत ही बेसिक सेटअप के साथ स्टार्ट किया था। आज लेकिन उनके 3,500 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं, आपको देखने को मिलेगा अभी, और उनके वेयर हाउस में हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो हेलो मिस्टर निमित। हाय, आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रीतम नगराले पर। थैंक यू। तो मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि आपकी थोड़ी जर्नी के बारे में बताइए और आपने 2014 में अमेज़न पे जो सेलर आप बने या ई कॉमर्स का जो भी आपने स्टार्ट किया था वो कैसे किया था और अभी तक का आपका क्या एक्सपीरियंस है? 2014 में हम लोगों ने स्टार्ट किया, बहुत ही बेसिक सेटअप के साथ चालू किया था। अमेज़न उस टाइम इंडिया में आया ही था, नया था काफ़ी, कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं था। एक कोरियर वाला किसी को जानते थे तो उसने बोला चढ़ा चालू कर लो आप भी। अच्छा। RMX कोरियर का कोई बंदा था। हाँ। तो स्टार्ट किया, टीम भी नहीं थी कुछ, एकाध साथ में था हेल्पिंग हैंड, और बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से चालू किया था। 2-3 प्रोडक्ट्स यहाँ के जो इंपोर्ट के मार्केट होते हैं, होलसेल के मार्केट होते हैं, वहाँ से सोर्स करके स्टार्ट किया। फिर धीरे 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 करते करते आज इंपोर्ट भी करते हैं, इंडिया से भी सोर्सिंग करते हैं और ठीक ठाक चल रहा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जैसे मैं ऑलरेडी इनके वेयर हाउस में और देख रहा हूँ कि यहाँ से जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है वहाँ तक इनका वेयर हाउस है, और कम से कम अभी इनके वेयर हाउस में 2,00,000 से भी ज़्यादा के यूनिट्स पड़े हुए हैं। तो बहुत ही सक्सेसफुली कर रहे हैं। तो बहुत सारे और भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूज़फुल क्वेश्चन आने वाले हैं, तो बने रहिएगा। तो मिस्टर निमित, ये बताइए कि अगर कोई बिगिनर है जिसको अमेज़न पर सेलर बनना है, राइट? अभी बिगिनर्स का ये मतलब हो सकता है कि कोई इंडिविजुअल लेवल पे कोई स्टार्ट करना चाहता हो जिसके पास कोई प्रोडक्ट हो छोटा मोटा, या मान लो किसी के पास प्रोडक्ट है भी नहीं, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका ऑलरेडी कोई बिजनेस होता है, जैसे शॉप्स होते हैं और उन पर, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप मान लो या फिर कोई हेल्थ से रिलेटेड की शॉप है और उनके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, तो इन लोगों को अगर अमेज़न पर सेलर बन के बिजनेस करना है जिस तरह से आप कर रहे हैं, तो वो किस तरह से शुरुआत कर सकते हैं? देखिए, मेन तो प्रोडक्ट होना चाहिए। फाइनली आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको एंड प्रोडक्ट बेचना है, तो प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए। एक बार आपके पास प्रोडक्ट हो गया तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप एक ब्रांड रजिस्टर करवा लें, क्योंकि लेट्स से जैसे मेरी कोई ब्रांड है होकीपो, होम किचन प्रोडक्ट्स की ब्रांड है, तो वो ब्रांड आपको आगे तक साथ देगी। देखिए, ये जो बिज़नेस है ये लॉन्ग टर्म बिज़नेस है। आप सोचेंगे मैं एक साल में कमा के निकल जाऊँगा, वैसा नहीं है। आपको धीरे 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 आपकी ब्रांड सेट करनी है इसमें, तो ब्रांड सेट करने के लिए प्रोडक्ट चाहिए आपको प्रॉपर। तो प्रोडक्ट करिए, एक ब्रांड रजिस्टर करा लीजिए। ब्रांड रजिस्ट्री का कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, 4-5 हज़ार में ब्रांड रजिस्टर हो जाती है ट्रेडमार्क में। और उसके बाद आप अमेज़न पे अपना एक सेलर अकाउंट खोल सकते हैं, थर्ड पार्टी सेलर बोलते हैं उसको, थर्ड पार्टी सेलर अकाउंट होता है, और एक वेंडर अकाउंट भी होता है जहाँ पे आप क्लाउडटेल को सामान दे सकते हैं। बट आपको छोटे लेवल से चालू करना है तो आप एक सेलर अकाउंट खोलिए, उसको भी आप ग्रो कर सकते हैं। आज हम लोगों का जो है सेलर अकाउंट ही है, हम लोग क्लाउडटेल के साथ बहुत बेसिक करते हैं, तो मेनली सेलर अकाउंट आप एक खोल सकते हैं। और अमेज़न आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है, बहुत अच्छे से बताता है कैसे करना है, क्या करना है, पूरा सपोर्ट है उनका, पूरी टीम बैठी है उनके वहाँ पे पीछे। ओके, तो जैसे आपने बताया कि सबसे पहले तो उसके पास प्रोडक्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी, क्योंकि फाइनली आपको प्रोडक्ट ही बेचना है। राइट राइट। हाँ। और दूसरा है कि आप ब्रांड रजिस्टर करना चाहिए, मतलब कोई कंपनी रजिस्टर करना चाहिए। कंपनी का अमेज़न में देखिए इंडिविजुअल वाला ऑप्शन भी है, पर आगे जाके जब बिजनेस बढ़ता है तो GST नंबर और ये सब तो आपको लगेगा। तो मेन तो इम्पॉर्टेंट है पहले आप ब्रांड, पहले प्रोडक्ट आप फाइनलाइज करिए और उसको किस नाम से बेचना है। जैसे हर चीज़ का नाम होता है, पार्ले का बिस्किट है तो पार्ले का नाम हुआ, तो एक नाम तो चाहिए जो आपका यूनिक रहे, जिससे लोग आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो ये ओवरनाइट नहीं हुआ, हम ऑलमोस्ट 7-8 साल से कर रहे हैं, तो टाइम लगा धीरे 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 धीरे, मगर आज मतलब ऑलमोस्ट शायद जीरो इन्वेस्टमेंट तो नहीं बोलूँगा, मगर बहुत कम इन्वेस्टमेंट से चालू किया, बहुत कम रिसोर्सेज से, और ऑलमोस्ट आजकल आज की तारीख में शायद 49-50 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं ईयरली हम लोग। ओह माय गॉड, बहुत पोटेंशियल है एक्चुअली अमेज़न में, ये फिगर भी बहुत सेलर से भी ज़्यादा कर रहे हैं। अच्छा, बहुत पोटेंशियल है। तो 40-50 करोड़ तो हमारे लिए बहुत एक ड्रीम के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए। हाँ, मेहनत करेंगे और ऑनेस्टली देखिए मेन चीज़ इसमें ऑनेस्टी। अगर आपने सोचा मैं फेक रिव्यू डलवाऊंगा या बाईपास करूंगा सिस्टम को अमेज़न के,
मतलब फास्ट सक्सेस के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, वो अल्टीमेटली आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा, फिर आप वापस कभी चालू नहीं कर पाएंगे। राइट राइट। सो सही प्रोडक्ट, फाइनली आपको ये सोचना है कि अगर आप वो प्रोडक्ट खरीदेंगे, आप अपने घर पे मंगवाएंगे तो आपको क्या फील होगा। राइट राइट। तो अगर आपको अच्छा नहीं फील होगा तो फिर कस्टमर को अच्छा कैसे फील होगा। तो जैसे निमित जी ने बताया कि आपको एक सही प्रोडक्ट चाहिए, आपकी ब्रांड होना चाहिए, और अगर आपको बड़े लेवल पे खेलना है तो आपको कंपनी पे रजिस्टर करना चाहिए, जीएसटी पे भी होना चाहिए आपका। तो अगर आप इन सब चीज़ों के लिए सीरियस है और उसके बाद अगर अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं अमेज़न पे या अपना कोई ई कॉमर्स का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक सही आइडिया है। तो जैसे कि आपने बताया कि आपने एक दो प्रोडक्ट्स चालू किया था और 3,500 प्रोडक्ट्स आप चले आए हैं अभी आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं। तो बहुत सारे लोगों का सबसे मेन प्रॉब्लम ये होता है एक्चुअली कि प्रोडक्ट कैसे रिसर्च किया जाए, कि कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जो अमेज़न पे ज़्यादा चल सकते हैं, क्योंकि वो जैसे आपने भी 2-3 प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था तो जाहिर सी बात है कि जो भी नए लोग होंगे, बिगिनर्स होंगे, वो भी 2-4 प्रोडक्ट्स या मैक्सिमम 10 प्रोडक्ट से स्टार्ट करना चाहेंगे। तो प्रोडक्ट को रिसर्च कैसे किया जाए कि अमेज़न पर कौन से प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा चलते हैं या डिमांड में हैं, किस तरह से देखा जाए। और दूसरी ये भी बात है कि अगर जैसे कि कौन कौन सी ऐसी कैटेगरीज होती हैं जिनसे बचना चाहिए, मतलब बहुत सारे ऐसी भी कैटेगरीज होती हैं जिनमें ज़्यादा डिमांड नहीं होती, तो ऐसा नहीं है। देखिए, जहाँ पर डिमांड ज़्यादा है वहाँ पर फिर कंपटीशन भी ज़्यादा है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल एक्सेसरीज तो बहुत ज़्यादा बिकती हैं होम किचन आइटम्स के कंपेरिजन में, मगर फिर वहाँ पर सेलर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा है। तो आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्योंकि देखिए मैंने जैसे कहा कि लॉन्ग टर्म बिजनेस है, तो आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, मतलब आपका पैशन क्या है, आप कौन से प्रोडक्ट को अच्छा प्रमोट करना चाहते हैं, तो वो टोटली आपके ऊपर है। बिज़नेस सब में है, पूरे इंडिया है, बहुत बड़ी कंट्री है, बिज़नेस आपको सब में आएगा। अब आपको क्या सोर्स करना है, क्या रिसर्च करना है, थोड़ा आप अमेज़न का अगर नेट पे सर्च करेंगे कि अमेज़न में कौन सी कैटेगरी कितना बिकती है, तो वो आपको आइडिया ईजिली मिल जाएगा कि अमेज़न में टॉप सेलिंग कैटेगरीज़ क्या है। बट ज़रूरी नहीं है कि आप टॉप सेलिंग कैटेगरीज़ के पीछे भागें, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन भी बहुत होगा। राइट राइट। तो वो टोटली आपके ऊपर है, वो चीज़ आपको थोड़ा फिगर आउट करना पड़ेगा कि आप कहाँ कंफर्टेबल है। अभी हमारी जो कैटेगरीज है वो बहुत फास्ट सेलिंग कैटेगरीज नहीं है, मगर फिर भी सामान बिकता है। हाँ, तो आपके हिसाब से मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स रिसर्च करते वक्त क्या देखना चाहिए, जैसे कि एक तो चीज़ होगी कितनी डिमांड है, दूसरा कितना प्रॉफिट मार्जिन हो सकता है, है ना, राइट, और कंपटीशन कितना हो सकता है। तो इन तीनों का बैलेंस बना के मतलब आपने रिसर्च करना चाहिए। हाँ, प्राइजिंग का और क्वालिटी का एक फाइन बैलेंस होना चाहिए। फाइनली प्राइजिंग बहुत मैटर करती है, और क्वालिटी अगर आप नहीं देंगे तो रिटर्न आ जाएगा। तो जैसे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ लोग काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को प्रोसेस भी कर रहे हैं, तो मुझे बताइए कि अगर जैसे कोई भी प्रोडक्ट कोई ऑर्डर करता है और आपको यहाँ पर ऑर्डर रिसीव होता है, तो ऑर्डर रिसीव होने से लेकर डिस्पैच, डिलीवरी जो भी होता है, उसके बाद अमेज़न का फंड्स क्रेडिट होता है, तो यहाँ पूरा प्रोसेस है क्या एक्चुअली इसके अंदर? अमेज़न आपको मल्टीपल ऑप्शंस देता है इसमें कैसे आप कर सकते हैं। आप खुद से भी डिस्पैच कर सकते हैं। okay. इसके बाद एक अमेज़न का मॉडल होता है फ्लैक्स, जहाँ पर एक अमेज़न ही जो उसके वेयर हाउस में जो सॉफ्टवेयर चलता है वही वेयर हाउस आपके यहाँ पर सेटअप कर देगा, तो वो आप कर सकते हैं। और उसके बाद आप इसमें FBA भी कर सकते हैं, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। तो फ्लैक्स को अभी आप इग्नोर करिए, क्योंकि अब स्टार्टअप कर रहे हैं, क्योंकि फ्लैक्स के लिए उसको एक बेसिक नंबर ऑफ डिस्पैचेस चाहिए कि इतना डिस्पैच होना चाहिए। right. तो आप खुद के ऑफिस से डिस्पैच कर सकते हैं सिंगल बाय सिंगल, यूजिंग अमेज़न कोरियर या यूजिंग आपका खुद का कोरियर। दूसरा है, आप अगर बेटर और करना चाहें, थोड़ा हैसल फ्री करना चाहें, तो आप अमेज़न के वेयर हाउस में आपका सामान भेज दीजिए। अमेज़न के वेयर हाउस में एक बार आपका सामान पहुँचता है, उसके बाद वो वहाँ पे लाइव हो जाता है, और उसके बाद कोई भी ऑर्डर आएगा, रात को, दिन को, कभी भी डिस्पैच करना होगा तो वो अमेज़न ही डिस्पैच करेगा। okay. पूरा का पूरा डिस्पैच का हेडेक अमेज़न का है, उसमें जो कस्टमर रिटर्न आएंगे वो भी प्रॉब्लम, जो भी है उसको हैंडल करना, प्रोसेस करना, वो भी अमेज़न ही करेगा। तो हम लोग जो यहाँ पे पूरा करते हैं, हमारे इस वेयर हाउस से एक भी सिंगल डिस्पैच नहीं होता, हम लोग अमेज़न के वेयर हाउस में सामान डालते हैं, और अमेज़न के वेयर हाउस से अक्रॉस इंडिया एज़ पर ऑर्डर जब कस्टमर का आता है तो वहाँ से डिस्पैच होता है। मगर इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर 6 महीने में वहाँ पे सामान आपका आप सेल नहीं हुआ तो फिर आपको अमेज़न वापस करेगा। फाइनली कस्टमर को सामान आप बेच रहे हैं, अमेज़न सिर्फ एक मार्केट प्लेस है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है। राइट, राइट। तो कस्टमर को सामान आप बेच रहे हैं, इन्वॉइसिंग आपकी हो रही है, सब कुछ आपका है। अमेज़न उसका एक सर्विस फीस ले रहा है, सर्विस चार्ज ले रहा है जो कर रहा है उसके लिए। राइट, राइट। हाँ, तो सिंपल है मॉडल, और बेनिफिट अगर आप इसका पूछेंगे तो देखिए, पेमेंट सिक्योर है, फाइनली पेमेंट आ जाता है, जिस दिन पे आपका आना होता है उसी दिन, उसी घंटे, उसी टाइम, उसी मिनट, उसी सेकंड पे पेमेंट आ जाता है। तो पेमेंट का कोई ये नहीं है, पेमेंट का कोई हेडेक नहीं है आपको। सबसे बड़ी बात है अमेज़न का इतना बड़ा ब्रांड है,
तो पेमेंट का तो जाहिर सी बात है कि इश्यू ऑलमोस्ट ना के बराबर है। हाँ, ऑलमोस्ट ना के बराबर है। तो वो सबसे एक अगर ऑफलाइन से आप कंपेयर कर रहे हैं इस बिज़नेस को, तो ऑफलाइन भी अच्छा बिज़नेस है, मगर वहाँ पे कभी आप अगर बल्क में किसी को दे रहे हैं या किसी को रिटेल में दे रहे हैं, बहुत बार आपने सुना होगा या देखा होगा कि पेमेंट टाइम पे नहीं आता, डिले हो जाता है। अमेज़न में ऐसा कुछ नहीं, के लिए बेटर अमेज़न में पेमेंट, तो पेमेंट के बारे में आपको सोचना ही नहीं। आज हमारा इतना टर्न ओवर है मगर फिर भी हम लोग पेमेंट प्रॉपर रिकनसाइल नहीं करते क्योंकि वो ट्रस्ट पर चलता है। तो ये बताइए कि जैसे अमेज़न पर कितना एक्सपेंसेस आते हैं पर डिलीवरी के पीछे? मान लीजिए जैसे कोई 1,000 रुपये का प्रोडक्ट है, और 1,000 रुपये के प्रोडक्ट को डिलीवर करने के पीछे जैसे मान लीजिए कि अमेज़न की कुछ फ़ीस होगी, फिर लिस्ट करने का कुछ अमाउंट होता होगा, FBA का कुछ सब्सक्रिप्शन फ़ीस रहती है, मुझे ज़्यादा परफेक्ट आइडिया तो नहीं है। हाँ जी, फिर डिलीवरी में रहता होगा, तो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेंसेस हैं अमेज़न के, तो कितना एक्सपेंसेस रहता होगा 1,000 रुपये के प्रोडक्ट के पीछे? देखिए, अमेज़न का एक कमीशन होता है जो आप पकड़ लीजिए 12%, 15%, 17% तक कमीशन है अमेज़न का, एक एवरेज बता रहा हूँ मैं, डिपेंडिंग ऑन कैटेगरी चेंज भी होता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में शायद थोड़ा ज़्यादा है, पर अलग अलग, अगर मोबाइल फ़ोन में शायद कम होगा, और जो मोबाइल कवर्स होंगे उसमें थोड़ा ज़्यादा होगा। ओके, और ख़र्चा देखिए कोरियर का है मेन, तो जो है 40-50 रुपये 500 ग्राम का आसपास है। अगर आपका आइटम जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, तो 10,000 का भी मोबाइल फ़ोन हो तो शायद 50-60 रुपये के कोरियर में हो जाएगा, मगर कोई बल्की आइटम हो गया, जैसे आप अगर देखेंगे यहाँ पर कुछ आपको बल्की आइटम दिखेंगे, तो बल्की आइटम अगर हो गए तो उसमें फिर कोरियर उसका वॉल्यूमेट्रिक के हिसाब से लग जाता है। तो कोरियर का फ़ीस है वॉल्यूमेट्रिक के हिसाब से, अमेज़न का एक उसका कमीशन है, अमेज़न का कमीशन 15-17% समझ लीजिए। Okay. उसके बाद उनके जो वेयर हाउसिंग में अगर आप डाल रहे हो, तो वेयर हाउसिंग के चार्जेस जो कि नॉमिनल है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा इतना नहीं करना है। तो मोटा मोटा यही फीस है उनकी, कोरियर और उनका कमीशन। अच्छा, हाँ, तो उसके अलावा तो ऐसा कुछ ये नहीं कि 1,000 रुपीज़ का प्रोडक्ट रहेगा, नहीं, आप उसको देखिए एकदम परसेंटेज सेट नहीं कर सकते। अगर आपका प्रोडक्ट ही वो 5 किलो का हुआ या 500 ग्राम का हुआ, तो 500 ग्राम में कोरियर लगेगा 50, 5 किलो में लगेगा 250 रुपया, तो उस हिसाब से कोरियर के ऊपर भी डिपेंड करता है काफ़ी। अमेज़न के कमीशन, अमेज़न का जो रेफरल फीस है वो कैटेगरी के हिसाब से है, अगर आप होम किचन में बेच रहे हैं तो 12-15% के आसपास कमीशन है। राइट, हाँ, प्लस इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, अमेज़न में भी कॉम्पिटिशन काफ़ी है, ऐसा मत समझिए कि आप डालेंगे और बिक जाएगा, तो पेशेंस रखना पड़ेगा, साथ में आपको थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे आप फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं, यहाँ करते, तो अमेज़न पे ही खुद के प्लेटफॉर्म पे ही स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, अमेज़न का खुद का एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम होता है, तो उसमें आपको थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, स्लोली करिए, धीरे धीरे करिए, अगेन अमेज़न का पूरा सपोर्ट टीम है आपको गाइड करने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि देखिए पहले पेज पे कितने प्रोडक्ट दिखते हैं, 20-30, मोबाइल पे तो शायद और भी कम, आजकल सब लोग मोबाइल पे शॉपिंग करते हैं, तो स्पॉन्सर एड से आपका प्रोडक्ट थोड़ा ऊपर हाईलाइट हो जाएगा, टॉप पर हाईलाइट, मगर वो पेपर क्लिक है, तो आपको वो ध्यान रखना है कि पेपर क्लिक का खर्चा कैसे होता है, क्या होता है। तो स्पॉन्सर्ड एड्स का एक आप अपना बफर मान के चलिए, रिटर्न का अपना एक बफर पकड़ के चलिए, रिटर्न तो आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट लाएंगे थोड़ा बहुत तो होगा ही। right. हाँ, और जो डेड स्टॉक हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ नहीं बिकती है, तो right. उसका भी आपको बफर पकड़ना पड़ेगा, right. बफर पकड़ना पड़ेगा, आपको मार्जिन प्रॉपर सेट करना है। आप सोचेंगे नहीं, इनिशियली मैं बड़ा सस्ते में बेच लेता हूँ, बाद में मेरा रेटिंग बन जाएगा, ये बेच जाएगा तो मैं बढ़ा दूंगा, तो वैसा मत करिए, पेशेंस रखिए, मार्जिन अपने प्रॉपर सेट करिए, अगेन बैलेंस चाहिए प्राइसिंग का, क्वालिटी का, और फाइनली किसी को भी यूनिक प्रोडक्ट मिल जाए वो पॉसिबल नहीं है, हर चीज़ बहुत लोग बेच रहे हैं, तो आप यूनिक प्रोडक्ट भी अगर ले भी आए ढूंढ के, पर वो थोड़े दिन में यूनिक नहीं रहेगा, कोई ना कोई उसको आएगा बेचने के लिए, तो आपको मेंटेन करना है सब बैलेंस। तो जैसे आपने काफ़ी अच्छा बताया कि ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फ़ीस है अमेज़न की, तो जो भी प्रोडक्ट हम हमारे पास जो प्रोडक्ट है, तो हमको सबसे पहले लिस्ट करना होता है अमेज़न के ऊपर। हाँ, राइट, तो लिस्ट करने की, जैसे कोई मुझे लिस्ट बनानी, तो लिस्ट हम जैसे मेरे लिए तो एक ऐसा हो गया कि मेरा एक सेल्स पेज या लैंडिंग पेज होता है, तो क्योंकि कस्टमर जो भी आता है अमेज़न पे, तो वो आपकी लिस्टिंग को देखता है और उसके बाद डिसाइड करता है उसको परचेस करना है कि नहीं। राइट, तो लिस्टिंग को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव कैसे बनाया जाए और उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन हो सके उस आपकी लिस्टिंग से? देखिए फाइनली अमेज़न पर जो भी कस्टमर देख रहा है, प्रोडक्ट तो हाथ में नहीं है, इमेजेस, आपको इमेज की क्वालिटी मेंटेन करनी है, तो इमेजेस होनी चाहिए। आजकल वीडियो का ऑप्शन आ गया है, अगर आप साथ में एक वीडियो डाल सकते हैं, वीडियो से क्या आपको एक 3D पूरा कस्टमर को वो फील आ जाता है कि एक्चुअल क्या चीज़ है, तो आप वीडियो से काफ़ी कुछ बता सकते हैं। तो इमेजेस हो गई, लिस्टिंग में वीडियो हो गए,
और मेन तो उसमें फिर आप जो कंटेंट लिखते हैं, भले ही आप छोटा कंटेंट लिखिए मगर उसमें प्रॉपर कीवर्ड डालिए कस्टमर क्या सर्च कर रहा है। थोड़ा बहुत आप अमेजन पे टाइप करेंगे तो आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे कि भाई ये कीवर्ड से सर्चेज हो रही हैं, इससे सर्चेज हो रही हैं। बहुत सारे फ्री टूल्स भी हैं जिससे आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं, रफ आइडिया कि इस तरह का कीवर्ड ज़्यादा है। तो इमेजेज है और बेसिक कंटेंट है, मेन इमेजेज हैं और उसके बाद कंटेंट है और फाइनली कस्टमर मोबाइल पर ही आजकल शॉपिंग होती है मेन। तो आपको वो चीज़ ध्यान रखनी है कि आपकी इमेजेस की क्वालिटी अच्छी हो। अगर आपने सस्ता भी बेच लिया इमेजेस में, अगर आपका रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं हुआ तो फिर रिटर्न आ जाएगा। राइट। तो अपनी लिस्टिंग को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ज़्यादा कन्वर्जन करने के लिए, जैसे आपने बताया कि इमेजेस होना चाहिए। हाँ, और आजकल बहुत सारे लोग वीडियोस भी देखते हैं, क्योंकि मैं खुद जब परचेस करता हूँ तो मैं वीडियोस ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि किसी ने अगर वीडियो डाला होगा। राइट। तो वीडियोज़ है, फिर थोड़ा कंटेंट है, भले कम हो लेकिन क्वालिटी कंटेंट हो, जिसमें आप कीवर्ड्स डालें। कीवर्ड डालने से अमेज़न पे भी ऑप्टिमाइज होगा, क्योंकि लोग सर्च करते तो उसकी वजह से आपकी लिस्टिंग ऊपर आ सकती है। और साथ ही साथ मेरे ख्याल से, जैसे मैं ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग में हूँ, तो गूगल में भी ज़्यादा फायदा होता है कि वो लिस्टिंग आपकी ऑब्वियसली पर्टिकुलर लिस्टिंग आपकी गूगल में आ सकती है और गूगल डायरेक्टली कस्टमर्स आपके उस पर्टिकुलर लिस्टिंग में जा सकते हैं जो आपकी है। वेरी ट्रू। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने बताया ऑप्टिमाइजेशन के बारे में लिस्टिंग को। ठीक है, तो निमित जी ये बताइए कि जैसे कि बहुत सारे लोग जब भी प्रोडक्ट, जो भी कस्टमर्स होते हैं, वो जनरली क्या करते हैं कि परचेस करने के लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है रिव्यूज़। राइट। कि कितने लोगों ने रेटिंग दी हुई है, जैसे 4 स्टार रहती है, 5 स्टार रहती है, जनरली 5 स्टार तो नहीं रहती, 3 स्टार से 5 स्टार के बीच में जो रेटिंग रहती है जनरली उसमें लोग ज़्यादा परचेस करते हैं, और कितने लोगों ने दिया है। फिर उसके बाद रिव्यूज़ में भी जाके चेक करते हैं कि किन किन लोगों ने किस तरह से पॉजिटिव रिव्यूज़ बोला है। तो अभी जो नए सेलर्स हैं उनके पास तो उतने रिव्यूज़ होते नहीं हैं, तो ये लोग रिव्यूज़ कैसे कलेक्ट करें, मतलब क्या तरीका होता है अच्छे अच्छे रिव्यूज़ कस्टमर से रिसीव करने के? देखिए, जेन्युइनली अगर आप पूछें तो रिव्यूज़ में आप कुछ भी नहीं कर सकते। अमेज़न की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो स्ट्रिक्टली आपको बोलती हैं कि आप कस्टमर से रिव्यूज़ मांग भी नहीं सकते हो। अच्छा। जो भी है कस्टमर को अगर मेल करेगा तो वो अमेज़न ही करेगा रिव्यू के लिए, कि आप रिव्यू दीजिए आपको कैसा प्रोडक्ट लगा। तो ये एक बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी है अमेज़न की। हालांकि बहुत सारे सेलर्स तो नहीं बोलूँगा, पर कुछ सेलर्स हैं जो फेक रिव्यूज़ डलवाते हैं वाया व्हाट्सअप, फ्री में प्रोडक्ट ऑफ़र कर दिया या कैशबैक दे दिया इनिशियली प्रोडक्ट को पुश करने के लिए, लिस्टिंग को पुश करने के लिए। मगर वो प्रैक्टिस में आप कभी मत पड़िए, मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आप कभी भी उस प्रैक्टिस में मत पड़िए। क्योंकि अल्टीमेटली आप उस लालच में आ जाएंगे और फिर वही करते रहेंगे और एक दिन आपका अकाउंट चला जाएगा। अमेज़न ने बहुत बड़े बड़े सेलर्स जिनका करोड़ में टर्नओवर था उनका भी अकाउंट वहाँ पर सस्पेंड हुआ है और वापस कभी चालू नहीं हो सकता फिर वो। ओके। तो पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, प्रोडक्ट लिस्टिंग क्वालिटी। तो जैसे आप अमेज़न की पॉलिसी के बारे में बता रहे थे, दिस इज़ वन ऑफ द पॉलिसी। हाँ जी। तो और कोई ऐसे स्ट्रिक्ट पॉलिसी है जिसको एक्चुअली लोग इग्नोर करते हो या फिर जिसकी वजह से उनका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है? डिस्पैच टाइम पे करना है। अगर अमेज़न ने बोला है कि अगर आप आपके यहाँ से डिस्पैच कर रहे हैं 12 बजे डिस्पैच करना है, तो 12 बजे से पहले वो डिस्पैच होना चाहिए। आप सोचेंगे नहीं कल कर देता हूँ, और आप सोचेंगे नहीं अभी ऑर्डर आया अभी मैं जाके अपना सामान खरीद के लाता हूँ मार्केट से फिर बेचता हूँ, वो सब इस पे नहीं चलेगा। आपको इन्वेंट्री आपके हाथ में होनी चाहिए। इन्वेंट्री हाथ में होगी, ऑर्डर आएगा तो आपको हो सकता है 6 घंटे के अंदर 10 घंटे के अंदर डिस्पैच करना पड़ेगा। तो आप कुछ टाइम अगर प्रोडक्ट लेने भागेंगे मार्केट में कि अरे ले आता हूँ नहीं है तो दूसरा दे देता हूँ या कैंसिल कर देता हूँ, वो सब नहीं चलेगा। आपके हाथ अवेलेबल नहीं होता। हाँ, अवेलेबल नहीं होता। आपके हाथ में इन्वेंट्री होनी चाहिए और वो डिस्पैच का जो भी शेड्यूल है, अगर संडे को डिस्पैच बोला है उसने, अगर संडे को भी आप ऑपरेशन अपने ऑपरेशन चालू रखते हैं तो संडे को करना ही पड़ेगा। हाँ, अमेज़न की गाड़ी आ जाएगी सामान लेने के लिए, बारिश हो या कुछ भी हो वो लोग पहुँच जाते हैं, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। या फिर इतना आपसे नहीं हो रहा है तो फिर उनके वेयर हाउस में आप रखिए, फिर उनके वेयर हाउस से वो लोग जब भी ऑर्डर आएगा वो उनका हेडेक है उनको कैसे करना। ओके। तो जैसे आपने बताया कि अमेज़न पे ऑनेस्टली बिजनेस करना है, रिव्यूज़ फेक रिव्यूज़ के पीछे नहीं भागना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और जो भी है बहुत ही प्रॉम्प्ट रहना है डिलीवरी डिस्पैच करने के लिए आपके प्रोडक्ट्स को। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए अगर आपको एक सक्सेसफुल सेलर बनना है। सक्सेसफुल सेलर बनना है लॉन्ग टर्म, अगर आप देख रहे हैं लॉन्ग टर्म अप्रोच आपको रखनी ही पड़ेगी। आपको बहुत बार डिसअपॉइंटमेंट भी होगा, सेल नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, पेशेंस रखना पड़ेगा। धीरे 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 ओवर द ईयर्स आपका बिजनेस सेट होगा ही होगा। ई कॉमर्स इंडिया में बहुत ग्रो कर रहा है और आगे भी ग्रो करेगा, पोटेंशियल बहुत है। प्लस अगर आपको और करना है, इंडिया आपको कम लग रहा है, तो आप 10 कंट्री और हैं जहाँ पर आप अमेज़न का बिजनेस कर सकते हैं इंडिया में बैठ के। तो यहाँ से बैठ के जैसे आपका ये मान लीजिए जो भी वेयर हाउस है, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, अगर आपको
चाहिए कि आप अमेजोन US में भी सेम के अपना सेलर का अकाउंट स्टार्ट कर सकते हैं और ये प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हो, तो आप कर सकते हैं? कर सकते हैं, हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं करने का, मगर आप US में भेज सकते हैं, यूरोप में भेज सकते हैं, आप इंडिया में बैठ के पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट सामान बेच सकते हैं आपका। ये ई कॉमर्स का और ये अमेज़न का एक मेजर बेनिफिट है, ये आज की तारीख में ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने का, और स्पेशली अगर आप अमेज़न के साथ जुड़े हुए हैं तो एक बहुत ही मेजर बेनिफिट है कि आप पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। हाँ, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, देखिए बेस तो प्रोडक्ट ही है, राइट राइट, फाइनली जो बिक रहा है वो प्रोडक्ट बिक रहा है। तो अभी हम निमित जी के वसई के ऑफिस में आ चुके हैं, और इससे पहले हम जो आपने जो एरिया देखा वो था कॉमन का एरिया, वहाँ पर भी इनका काफ़ी बड़ा वेयर हाउस था, और अभी हम जो वसई के ऑफिस में बैठे हैं यहाँ पर भी इनका वेयर हाउस है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर इनका बैक ऑफिस का काम चलता है। और आपने जैसे देखा होगा वीडियो के अंदर कि पूरा बैक ऑफिस की टीम अलग अलग टास्क पर काम करती रहती है। तो निमित जी ये बताइए कि जैसे कि आपने बोला था कि आपने बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट किया था, दो तीन प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था 7-8 साल पहले, आई थिंक 2014 में, राइट। तो वो दो तीन प्रोडक्ट से जो लेके आपने चालू किया था, आज 3,500 प्रोडक्ट तक पहुँच चुके हैं, तो यहाँ तक का एरिया, यहाँ तक का जो जर्नी है वो आपको तय करने में कितना टाइम लगा, और आपने एक्चुअली क्या क्या स्ट्रगल किया, किस तरह से आपने एक्चुअली यहाँ तक अचीव किया? स्टार्ट तो देखिए बेसिक से ही किया था, मगर आप मेहनत करते रहेंगे तो आपको अपने आप दरवाजे खुलते हैं, तो कंटिन्यूस लगे रहे, मतलब ये फुल टाइम काम है, मतलब दिन रात सब आपको आपका देना ही पड़ता है, बट हाँ धीरे 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 करके जो भी कमाया इसी में इन्वेस्ट किया है, तो ऐसा नहीं कि कहीं से लोन लिया है या कोई बहुत ज़्यादा कहीं फंडिंग मिली है, तो इसी में से घर भी चल रहा है और बिज़नेस भी इसी के थ्रू ग्रो किया है, तो जितनी भी इन्वेंट्री है जो भी है वो सब यहीं से ही डेवलप हुआ, यहीं से बिल्डअप हुआ है। तो इन शॉर्ट यही बोलूँगा कि आपको इसमें लॉन्ग टर्म अप्रोच रखनी है, आपको इसमें कंटिन्यूस मेहनत करनी पड़ेगी आपको, और आपको ऑनेस्टी से काम करना है। देखिए ई कॉमर्स का बहुत बड़ा पोटेंशियल है कंट्री में, तो ग्रो कर रहा है ये, तो इट्स ग्रोइंग बिजनेस, तो आप ढंग से करेंगे तो ये ग्रो होगा, और आप भी इसके साथ काफ़ी ग्रो कर सकते हैं। और फाइनली देखिए ऑनलाइन है तो आप बीच में जब भी चाहे ब्रेक ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको फुल टाइम ऑफिस में बैठना है, आपको कोई आके मिलने वाला है, कोई विजिटर आने वाले हैं, तो ये इसके बेनिफिट्स हैं कि ठीक है आपको कभी बीच में छुट्टी लेनी है आप ले सकते हैं, आपको कभी घर से भी काम करना है आप कर सकते हैं, तो ये सब कुछ बेनिफिट्स हैं ऑनलाइन के। और आपका फाइनली धंधा आपका 24/7 चल रहा है 365 दिन साल तक, तो ठीक चल रहा है, होपफुली बेटर कर पाएँ इससे। काफ़ी सारे सेलर्स हैं जो हमसे कम टाइम में हमसे अच्छा कर रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं जितना हम इम्प्रूव कर सकें, डे बाई डे वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू। वेरी गुड, तो काफ़ी इंस्पायरिंग जर्नी रही इनकी, इन्होंने बहुत ही छोटे लेवल से स्टार्ट किया था 2014 में, आज बहुत बड़े लेवल पे आ चुके हैं, और इन्होंने काफ़ी कुछ बताया है, बहुत सारी चीज़ें बताई, और हमने ये भी जाना है कि ई कॉमर्स का कितना पोटेंशियल, और आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रहने वाला है। तो आप अमेज़न पे ट्राई कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे भी ट्राई कर सकते हैं, और अपना खुद का अमेज़न अगर खुद का स्टोर स्टार्ट करना चाहे तो वो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो हर जगह बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। सो थैंक यू वेरी मच निमित जी, आपने अपने टाइम इतना वैल्यूबल टाइम निकाल के यहाँ, थैंक यू वेरी मच प्रीतम, मालूम है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो, तो आपके वैल्यूबल टाइम के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद, और मुझे उम्मीद है कि काफ़ी लोगों को आपके इस इंटरव्यू से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली होगी, और वो भी अपना अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं अमेज़न के ऊपर। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, थैंक यू आपको भी।